अगर आप भी आईपीओ के स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए बिफोर स्पॉट राउंड 2। और आपको बेसिक बेसिक सारे शेड्यूल पढ़ के भी बताऊंगा कि क्या शेड्यूल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी बेसिक बात भी करेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये स्पॉट राउंड 1 से कुछ फर्क है, क्या इसमें हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए हमारी करंट कंडीशन को देखते हुए, और क्या इससे कुछ फायदे होने भी वाले हैं या फिर जस्ट अनदर स्पॉट राउंड है। और ये भी बताऊंगा क्या आगे स्पॉट राउंड 3-4 कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सारे आपके कॉमन डाउट्स वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट ट्विस्ट पे देखना, पर बिना स्किप करे देखना, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं, लाइक अभी से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल ही जाती है। और हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ सेवा, सेकंड ईयर आईटी स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट है। एक चीज, सबसे पहली बात, जिसको नहीं पता, स्पॉट राउंड 2 पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो चुका है। यानी अब जो आपका स्पॉट राउंड 2 है आपको ऑनलाइन ही करना है। जैसे आपने अभी तक जितने भी राउंड्स अगर आपने पार्टिसिपेट करे थे तो सेम टू सेम प्रोसीजर है, सारी चीज़ें वैसी करनी है। कोई भी आपको ऑफलाइन कहीं पर मेन कैंपस पर जाके विजिट करके ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। पहले उन्होंने बोला था कि ऑफलाइन होगा, बट ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है ये, और ये मैंने वीडियो बना के बताया भी था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सो ऑन अ ब्रॉडर लेवल सारे के सारे एलिजिबल हो, चाहे आपको सीट मिली हुई है, चाहे नहीं मिली हुई, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, आप एलिजिबल हो। कौन कौन से सिचुएशन में आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से ऑलरेडी सीट ले ली है या फिर मैनेजमेंट कोटा में आप जा रहे हो, सो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो स्पॉट राउंड 2 में। और अगर आपको किसी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ IPU की एडमिशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके एडमिशन ब्रोशर में लिखा है, अगर उस वजह से आपने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाए थे, तो उस वजह से IPU वालों ने आपको निकाल दिया था पूरे काउंसलिंग से, तब आप एलिजिबल नहीं हो। मोस्टली 99% स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, सिर्फ एक दो स्टूडेंट विड्रॉ वाली बात नहीं कर रहा। देखो विड्रॉ अलग होता है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट आप टाइमली नहीं दे पाए या फिर गलत दे दिए, वो भी अलग है, तब भी आप एलिजिबल हो, चाहे आपने विड्रॉ करा या फिर डॉक्यूमेंट में इशू था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने जेईई मेंस ही नहीं दिया, या बेसिक बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एक कॉलेज में जाने के लिए, अगर वो आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस राउंड में, या किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली अब आ जाते हैं स्पॉट राउंड के फीस वगैरह पे। तो यार देखो, अगर इनको ना IPU वालों को पैसा चाहिए सारा, आपको एक बार ही पे करना है। अगर आपने पे कर दिया तो अब और कुछ पे नहीं करना, नहीं करा तो पहले वाली चीज़ भी पे करनी है। आपको टोटल कितना पैसा देना है, 1500 रुपये देना है, एक देना 1000 रुपये, एक देना 500 रुपये। अगर आप ये तीनों चीज़ें दे चुके हो आपको कुछ नहीं देना। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया तो वो आपको पहले पे करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके थे ऑलरेडी, वो अब स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, आपको कोई फीस नहीं देनी। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, कोई 500 रुपये, 1000 रुपये कुछ नहीं लगने वाला, अगर आपने स्पॉट राउंड के 500 रुपये उस समय दे दिए थे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो स्लाइडिंग राउंड के बाद स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा था, पर अब चाहते हो स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना, तो आपको 500 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे जहाँ पर आप लॉग इन करते हो। जैसे आपने पहले पे कर रहे थे ना 1500 और 1000 रुपीज़, वैसे ही आपको 500 रुपीज़ भी पे करने पड़ेंगे। ये टाइम स्लॉट क्या है, अगेन ये तीन देने, 1500, 1000 और 500। जिसने सारे दे दिए कुछ नहीं पे करना, जिसने जो नहीं दिया वो पे करना है। टाइम लिमिट बताता हूँ, 14 अगस्त यानी आज से ही शुरू हो चुका है ये सारी चीज़ें, 2 बजे से शुरू हो चुकी है, और 19 अगस्त 4 PM तक आपको ये सारी चीज़ें पे करनी है, ठीक है। पेमेंट का बता रहा हूँ, अब आगे बढ़ लेते हैं। बेसिकली आपको और बता दो फिलिंग ऑफ चॉइस। अब देखो, चाहे आपने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा नहीं करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने स्पॉट राउंड 1 में अगर पार्टिसिपेट करा था, आपने चॉइस फिलिंग करी थी या फिर उससे पहले कोई भी चॉइस फिलिंग करी थी, वो सब अब कोई उसका मतलब नहीं है, कोई अब वो मान्य नहीं है। आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, वो आपको दोबारा फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई पॉइंट है नहीं बताने का। अब ये कब से कब तक कर सकते हैं, 14 अगस्त 2:30 PM से लेकर 19 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको जानना है कैसे चॉइस फिलिंग करनी, तो ये वाली वीडियो देख लो, आपको मैंने बताया स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। क्योंकि स्पॉट राउंड में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके पास सीट है या नहीं है, आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो इसकी चॉइस फिलिंग नॉर्मल राउंड की चॉइस फिलिंग से थोड़ी सी अलग होती है। तो वो सारी चीज़ मैंने इसी वीडियो में बताई हुई, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। और अब बात बता देता हूँ, आपकी जो टेंटेटिव डेट्स है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, वो है 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त, हो सकता है और लेट हो। आपने देख ही लिया स्पॉट राउंड 1 में,
चार चार दिन लेट आपका रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या चल रहे ड्रामे। आईपीओ वालों का खासकर अभी इतना ज़्यादा हो गया था, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, इनको यही नहीं पता चल रहा क्या चीज़ें करनी है। कभी वो कह रहे ऑफलाइन हो रहा है, कभी वो कह रहे सिर्फ वही एलिजिबल है जिनको जिन्होंने सीट ली हुई, जिन्होंने सीट नहीं ली हुई वो एलिजिबल है। अब कह रहे कि ऑनलाइन होगा, फिर कह रहे सारे एलिजिबल है। सो एक बहुत ज़्यादा क्योस सा मचा दिया है। और इसमें ना इतने सारे नोटिसेज वो रिलीज कर रहे हैं, कुछ कुछ नोटिसेज डबल डबल रिलीज कर रहे हैं। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ये छांटने में कि कौन सा हमारा काम का नोटिस है और कब आ रहा है हमें पता भी नहीं चल रहा। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको टाइमली सारी चीज़ें मिल जाएगी। हो सकता है कि मैं 5 6 घंटे लेट बनाऊँ, पर आपको जब भी ड्यू डेट है उससे पहले आपको जरूर टाइम से बता दूंगा, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ता है कि कौन कौन से आपके काम के इतने सारे नोटिस आते हैं। मैं भी पहले सारे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपको बनाता हूँ। तो हो सकता है इंस्टेंटली जैसे ही नोटिस आए वैसे ना बताऊँ, पर 5 6 घंटे बाद आपको बता ही दूंगा, आपका टाइम से पहले पहले आपको पता चल जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, और लेजिट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कोई भी फेक या फिर क्लिक बेट नहीं होने वाला। कोई भी मैं बार बार कुछ एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने नहीं आऊँगा, सारे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे आपका ही फायदा होगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको टाइम भी पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब रिजल्ट जब आ जाएगा, अगर आपने आपको पहली बार सीट मिली है तो आपको 96,000 रुपीज़ भी पे करने हैं। वो कब तक करने हैं? 23rd अगस्त 11 PM से पहले पहले। अगर आपने ऑलरेडी सीट ले चुके हो, आपने 96,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो आपको अब पे नहीं करने हैं। ठीक है, अब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना 23 अगस्त 11:30 PM से पहले पहले। और साथ में आपको ऑनलाइन विड्रॉ अगर किसी को भी करना है तो आप 24 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये किसी को भी विड्रॉ करना है आप ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हो 24 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले। और अब आपको मैंडेटरी करना है रिपोर्टिंग अपने सेंटर पे, मतलब कॉलेज पे जो भी आपको मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रिपोर्टिंग का और ये सारी चीज़ें का ना एक मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। देखो मैं आपको एक छोटी सी भी बात बताता हूँ। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट मिली हुई है ऑलरेडी, वो स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिला। अब कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको सीट मिली हुई है, अब अपग्रेडेशन देखने को मिला। कुछ कुछ हो सकते हैं जिनको सीट ही नहीं मिली, अब पहली बार सीट मिल रही है। सो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जाना है रिपोर्ट करने, और कहाँ जाना है कैसे करना वो सारी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ। स्पॉट राउंड 1 का सेम ही है प्रोसीजर। सो अगर आपने वो वीडियो देख ली थी तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके एक बार ही चेकआउट कर लो। उसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपको सीट मिली हुई थी, अपग्रेडेशन हुई नहीं हुई, सीट पहली बार मिली, तो आपको जाना है या नहीं जाना। सबको नहीं जाना होता, किसी किसी को जाना है, और क्या कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पुराने कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वो ले लेते हैं, तो अब आप नए कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाओगे। सो वो सारी चीज़ें हैं, आपको दोबारा पे करना है नहीं करना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई है, इसलिए रिपीट यहाँ नहीं करूँगा मैं। ठीक है, और साथ में ये बताता हूँ, अगर आपको पहली बार सीट मिली है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, साथ में डिमांड ड्राफ्ट लेके, या फिर आप ऑनलाइन पे करके आप वहाँ पर मैंडेटरी रिपोर्टिंग कर लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए वो इस वीडियो में देख लो, उसमें सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट समझाई हुई है। ठीक है, सारी आपके लिए वीडियोस बनाई है ऑलरेडी, कुछ ऐसा परेशानी वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होता है या तो यूट्यूब कमेंट्स में पूछ लो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर लो, तब मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, यानी आपको ऑलरेडी एक सीट मिली थी, आप अपग्रेड हो जाते हो नए कॉलेज में, तब आपको 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एट द न्यू कॉलेज। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको स्पॉट राउंड 1 स्लाइडिंग राउंड का जो एंड का रिजल्ट आया उससे स्पॉट राउंड 1 में जब आपने पार्टिसिपेट करा तब अपग्रेड हो गई, तब भी आपने 5,000 रुपये भरे होंगे। अगर आपकी दोबारा अपग्रेड होती है तब भी आपको दोबारा से 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक बार ही नहीं, अगर जितनी बार आपकी अपग्रेडेशन होगी आपको उतनी बार 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आपको पहले BVCOEC BPIT मिल गया स्पॉट राउंड 1 में तो आपने 5,000 रुपये दिए, अब BPIT से MSIT मिल जाएगा तो आप दोबारा 5,000 रुपये दोगे। ये नहीं कि पहले दे दिए थे 5,000, नहीं, जितनी बार भी आपके अपग्रेड होगी उतनी बार आपको 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। ठीक है, होप अभी तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जैसे मैंने बताया, और आपको वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, और यहाँ पर ऐसा सच इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। अगर मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ लास्ट बारी कि कुछ इम्पोर्टेंट बताना तो नहीं है। नहीं, डन, आपका जो नोटिस था वो मैंने पूरा पढ़ के बता दिया।
सो अब कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम की बातें अदर देन शेड्यूल एंड ऑल दिस। अब देखो यार, अब ये चीज़ समझो कि जब सारे लोग एलिजिबल हैं, और ये चीज़ बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा ही लगेगा, कोई होम स्टेट आउटसाइड स्टेट इसमें नहीं लगने वाले, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। ऑफिशियल नोटिस में ये नहीं लिखा है कहीं पर भी कोटा लगेगा नहीं लगेगा, पर जितनी मेरे को इन्फॉर्म मिली है उसमें यही है कि आपका ऑल इंडिया कोटा ही लगेगा, कोई भी होम स्टेट अदर स्टेट नहीं होने वाला, तो कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं होने वाली। सेकेंड चीज़ यार, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि स्पॉट राउंड 3 होगा, और वो होगा ऑफलाइन जैसे कि हर बारी होते। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों यार, एक चीज़ सोचो ना, ये स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 में इतना कुछ फर्क है नहीं इतना। टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ सेम सी चीज़ रिपीट कर रही है, जैसे राउंड इतने सारे होते हैं ना, वैसे इनके पास ऊपर टॉप के कॉलेज में कुछ कुछ सीट बच गई होगी, इन्होंने फिर से एक छोटा सा राउंड निकाल दिया स्पॉट राउंड 2 नाम से, कि हाँ चलो वो भर लेते, फिर उसके बाद जो बाकी छोटे मोटे कॉलेज में बचे होंगे वो स्पॉट राउंड 3 में कर लेंगे ऑफलाइन, जैसे हर बारी होता है। इन्होंने क्यों करा है, मोस्ट ऑफ यही कि जो टॉप के कॉलेज में फिर भी सीट रह गई है उनको भर सके। अब खुद सोचो ना कि अगर अभी भी इन्होंने वो लगा दिया कि जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट है जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है वो भी अगर फिर से अपग्रेडेशन ले सकते हैं, तो फिर उनकी फी सीट अगर अपग्रेड हो गई तो वो वाली खाली होगी, फिर वही ड्रामेबाजी। तो वो सारी चीज़ें अभी मेरे को यही देखने को लग रहा है कि स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2 आर समवट सेम। इतनी उम्मीद भी मत करके रखना कि बहुत अच्छा कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा हाई जंप देखने को मिलेगा, ऐसा मत सोच के चलना। मैं पहले से बोलता हूँ इतनी ज़्यादा हाई होप्स स्पॉट राउंड 2 से नहीं लगाने वाले बनते। स्पॉट राउंड 3 होगा मेरे ख्याल से, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं अभी एग्जम्पशन और जितना मेरे को एनालाइज करने पर पता चल रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग मे बी आई एम करेक्ट, अब वो टाइम ही बताएगा। पर अभी के लिए जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक स्पॉट राउंड 3 होना ही चाहिए, जिसमें आउटस्कर्ट कॉलेज यानी जो लोअर आईपीयू के कॉलेज होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड 3 होता है, वो ऑफलाइन होता है, जैसे कि हर बारी स्पॉट राउंड 2 होता था ऑफलाइन, वो यही चीज़ करता था, अभी ये स्पॉट राउंड 3 होगा ऑफलाइन जितना मुझे लग रहा है। और अगेन इतनी ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्पॉट राउंड 1 की सेम सारी चीज़ें हैं। अब आप देखो ना, स्पॉट राउंड 1 में जैसे हुआ था सारी एलिजिबिलिटी वैसी है, सारा आपको प्रोसीजर वैसे ही रहना है, फिर से मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, ये वो एग्जैक्टली सेम है, बस डेट्स का फ़र्क है। सो इतना कुछ हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और ऑलरेडी इतने राउंड्स हो चुके हैं, पहले आपके 3 राउंड हुए, फिर स्लाइडिंग राउंड हुआ, फिर स्पॉट राउंड 1 हुआ, अब आप इतने नहीं सोच सकते कि अपग्रेडेशन या हाई जम्प देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है इतना जम्प देखने को मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक सब कुछ भर चुका है, बहुत कम कम भरने के चांसेस है अब जो बचा कुचा होगा। सो अगेन अब ये बता देता हूँ कि आपको स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। अगर आपने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट करा बिल्कुल कर दो यार, आपको बस चर्च लिंक करनी है, आपको पैसे तो और कुछ लगने नहीं, अगर कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकते। स्पॉट राउंड 1 की चर्च लिंक अगर किसी ने गड़बड़ कर दी तो स्पॉट राउंड 2 की चर्च लिंक सही से करना, चर्च लिंक मैंने बताई हुई है कैसे करना है, ठीक है, एक बार एक वीडियो रेफर कर लो, कोई कुछ चार्जेस नहीं है यार, अपना भला करोगे और मेरा कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई भी आपको चैनल अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो वो भी कोई ज़बरदस्ती है नहीं, फ्री का सब्सक्राइब का बटन होता है वो कर दोगे तो आपके लिए भी फ़ायदा ही होगा, ठीक है। सो ये बात थी, और साथ में अगर आपको ऑलरेडी सीट मिली हुई है, आप स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके थे तो स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लेना, 500 रुपये आपको कुछ देने वाली बात है नहीं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको सीट मिली हुई थी, अब स्पॉट राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, अब चाहते हो कि स्पॉट राउंड 2 में करूँ ना करूँ, कर सकते हो यार, 500 रुपये वो अगर दे सकते हो दे दो, नहीं तो इतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतने जम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ट्राई करना आप बिल्कुल 500 रुपये दे के अपना लक आजमा सकते हो, बट इतनी उम्मीद मत रखना, और इतने कोई 500 रुपये फूकने का भी अगर नहीं फूक सकते छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतनी अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलने वाली यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको सीट ही नहीं मिली बिल्कुल जाओ यार, ज़रूरी है जाना आपका, आपको सीट तो चाहिए ही, ठीक है। तो अभी सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया किसको स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से बचा है नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा, और बस यार ये सब आपको बातें इंपॉर्टेंट बतानी थी, और जो जो मेरे हिसाब से एजम्पशन है, जो जो मेरे को एनालाइज है वो मैंने आपको बताई दिया, अपने जो भी थॉट्स प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई दिया, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी शेड्यूल आया है, जो भी पूरा नोटिस आया वो भी आपको पढ़ के बता दिया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मेरे से यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में अपने बाकी और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दो जो भी IPO के स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, टिल देन वी सी यू प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल्स।